अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉग्स कॉइन के बारे में। डॉग्स की प्राइस प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं। आपके जितने भी कमेंट्स आए हैं, मोस्टली लोगों ने डॉग्स कॉइन के बारे में ही पूछा है कि सर इसके बारे में बता दें कि नेक्स्ट ये क्या करने जा रहा है। तो मैंने सोचा चले कमेंट्स में आंसर करने की बजाय आपको डेडिकेटेड वीडियो डॉग्स के ऊपर ही बनाकर मैं बता देता हूं कि नेक्स्ट मूवमेंट इसकी क्या होगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, बहुत से लोगों ने इसको होल्डिंग की हुई है, बहुत से लोगों ने एयर ड्रॉप्स के ज़रिए अर्न किए हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये अब क्या करने जा रहा है। मुसलसल डाउन आ रहा है। मैंने जैसा कि आपको बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो रही है और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको साफ लफ्ज़ों में बताया था कि डॉग्स टोकन जो है ना वो क्रैश होगा। तो अगर आप लोगों ने जो 689 लोगों ने सुना और देखा, उनमें से आप लोगों का शुमार है, तो आप लोग बिल्कुल अपने बात ये सही तरह से समझ ली होगी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अभी जाकर देख सकते हैं ये वीडियो। तो ये डॉग्स कॉइन अब क्या करेगा, नेक्स्ट मूवमेंट इसकी क्या होगी, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। चंद एक मैं जो है ना वो आपके कमेंट्स भी ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि सर आप कमेंट अब रीड नहीं करते। मोहम्मद सदीक भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शफीक भाई। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इन सितंबर बीटीसी विल गो टू 44,000 यूएसडीटी। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये 70,000 डॉलर तक जाएगा। आपने मेरी वीडियो को फॉलो नहीं किया, पूरा सोचा समझा नहीं है अच्छी तरह से, ना देखा है, आपने अपना ओपिनियन दे दिया, ठीक है, मुझे खुशी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 62,000 डॉलर तक अब जाएगा, 65,000 डॉलर तक जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बिटकॉइन अब 56,000 डॉलर की जानिब है ना, इधर खड़ा है, तो यहाँ से ये मूव करेगा 57,000-58,000 डॉलर की जानिब। मेरा कहने का मकसद ये कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक बाउंस बैक नज़र आएगा, उसके बाद फर्दर ये डाउन ट्रेंड आएगा। सितंबर का जो मंथ है, ओवरऑल ये डाउन ही है। मैं भी क्रिप्टो करता हूँ, मुझे भी पता है इन चीज़ों का कि हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन मेरे कहने का मकसद मतलब ये था कि बाज़ कात ऐसी हिस्ट्री जो है ना वो रिपीट नहीं भी होती किसी मंथ में। अब देखें, हो सकता है ये 5 डेट तक कल तक ये ऐसा रहे, उसके बाद ये जो है ना वो वापस अब जो है ना ऊपर मोमेंटम पकड़ ले अपना। 53,000 डॉलर तक तो मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा कि ये बिटकॉइन नेक्स्ट क्या करेगा। हो सकता है रात को आ जाए वो वीडियो, तो ये मुलाहिज़ा लाजमी फरमाइएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी सर डॉग्स कॉइन की कॉइन, ठीक है, डॉग्स के बारे में आया। सर सागा कॉइन पर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, मैंने फ्यूचर में बाय किया, एंट्री प्राइस है 1 पर, अभी सागा की करंट प्राइस है। जी बिल्कुल, सागा कॉइन वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कॉइन है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग जो है ना इसको वेट करें। आपकी लिक्विडेशन प्राइस क्या है वो आपने नहीं बताई, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। डॉग्स कहाँ तक डाउन आएगा जी सर, यही बताने जा रहे हैं। देखिए, हर तीसरा बंदा डॉग्स के बारे में पूछा। लव यू टू जनाब। फलोकी का एयर ड्रॉप्स कब आएगा, फलोकी का एयर ड्रॉप नहीं आता अब। सर ओपी का बताएं, ओपी कॉइन वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है और इथेरियम के साथ चलेगा, ऐसे अकेले नहीं जाएगा। अब ये इथेरियम कितना डाउन आएगा, 2370 डॉलर या 2350 डॉलर तक मैक्सिमम इथेरियम डाउन आ सकता है इथेरियम। उसके बाद भाईजान ये फॉग कॉइन कब तक, नहीं फॉग कॉइन यार जो है ना वो बहुत मुश्किल से आएगा, ठीक है ना, इधर अब क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत डाउन आ चुकी है, तो अब थोड़ा सा जो है ना वो ये करेक्शन के मूड में था, अभी करेक्शन हो रही है इसकी, तो आप लोग जो है ना वो वेट कर लें। इसको मूवमेंट बड़ी कमाल की यार, डेली बेसिस पे आप देखें पंप एंड डंप। मैं थोड़ी देर पहले इसको देखा 78 पर था ये, ठीक है ना। तो अब नहीं सॉरी, ये कॉइन नहीं है वो एफ वॉग टोकन, ये कॉइन नहीं है सॉरी, इधर होगा कॉइन जीको पे आएगा जी, ये वाला, ठीक है, 78 पर मैंने जी, बिल्कुल 78 पर ही है ये कॉइन है, और अब इसकी करेक्शन हो रही है, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा इस 1 सेंट पर, ठीक है, लेकिन आ जाएगा, होल्डिंग करनी पड़ेगी आपको। थैंक्स फॉर द फोरकास्ट, नीड एडवाइस, माई ओके एक्स वॉलेट होल्ड सम यूएसडी एंड आई हैव द सीड फ्रेज एयर क्रैप्ट टारगेट, ठीक है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सेंड दम बायनांस। हाँ, तो आप बाइनांस का डिपॉजिट वॉलेट कॉपी करें और ओके एक्स से विड्रॉ कर लें आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 इन्वेस्ट किया है, ठीक है जनाब, ओके हो गया।
सर प्रॉफिट होगा मुझे, ठीक है जी, 3 से जो प्रॉफिट हुआ आपने हमें भी दीजिएगा यार, बड़ा प्रॉफिट होगा $3 से आपको जी, अर्निंग हो जाती है। सर फैट के बारे में बता दें, फैट कॉइन से फिल वक्त सागा कॉइन बेस्ट है, ठीक है, हार्ट भेजने का बहुत शुक्रिया। ऑक्शन कॉइन के बारे में बताइएगा, बता दिया था ये आपको पिछली वीडियो में। चले अब हम करते हैं वीडियो का आगाज़ और सीधा हम डॉग्स की बात करते हैं, डॉग्स के अलावा हम बात नहीं करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू माई प्रोडक्शन, ये देखें मैंने आपको चंद दिन पहले इसके बारे में बताया था कि ये डाउन आएगा, तब ये यहाँ पर मौजूद था, आप लोग अगर देखें ये इस प्राइस पर मौजूद था, यहाँ से मैंने कहा था कि ऐसे होता हुआ ये डाउन आएगा। अब देखें इस प्राइस की हद तक, यहाँ तक तो मेरी प्रोडक्शन हुई सही साबित, सही है, यहाँ तक मेरी प्रोडक्शन क्या हुई, करेक्ट, यहाँ तक तो डाउन आ गया, मैंने कहा था कि ये यहाँ तक आएगा और आपके सामने ये इस फिगर को टच किया। अब एक दिन, एक तो मैंने 10:50 या 10:40 से मैंने कहा था बाय करिए, दूसरा 9 अंडर 9 के आए, 3 सिफर जैसे ही क्लिक करे मैंने कहा था बाय करिए, 2 बाय तो आप लोगों ने कर ली होंगी। अब तीसरी बाय के लिए आप लोगों ने 8 से लेकर 9 के दरमियान आपने एक रेंज इसके अंदर आपने बाय लिमिट रखनी है, वो कहाँ तक रखनी है, 0.30 के बाद आप 85 रख लें, ठीक है, 85 रख लें, 87 रख लें, 88, वहाँ से पुल बैक होकर ये फर्दर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको अगर इसका सिनेरियो बताऊं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या करेगा नेक्स्ट। चलें इसमें आते हैं हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, और 1 आवर के अगर हम खोलते हैं तो 1 आवर में इसको हम सारे को क्लोज़ करते हैं नीचे आके, ये लें ये सारे हो गए क्लोज़। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इसको देखें तो मैं इसको देखता हूँ, यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, ये वाली जो प्राइस है, ये वाली जो प्राइस है 10:50 तक, ये ठीक है, यहाँ तक आएगा या मैक्सिमम 0.00 के बाद 11, यहाँ से आपने इसको क्या करना है, एग्जिट करना है, सेल कर देना है आपने, आपने वेट नहीं करना, फिर डाउन आएगा ये। आपने अगर बाइंग की हुई है तो आप लोगों की मर्जी है, होल्डिंग करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये थोड़ा सा यहाँ से शॉर्ट पंप करेगा, चाहे 2-4 घंटों के लिए हो, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाकर 0.00 11 तक, उसके बाद ये इसने डाउन आना है। जो मैंने आपको एंट्रीज बताई हुई हैं 8 3 सिफर के बाद 8 to 9 के मिड के अंदर, वहाँ तक इसने आना है और आपने वहाँ से इसको यूटिलाइज करना है और फिर सुकून से बैठ जाना है। अब ज़्यादा फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है कि इससे भी ये अप जाएगा, नहीं, बिल्कुल फोमो में आने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। टारगेट आपका क्या होना चाहिए, टारगेट टारगेट ये ले जी, टारगेट आपका ये वाला होना चाहिए, ये ठीक है, ये वाला आपका टारगेट, फाइनल टारगेट ये वाला है, अभी 10:15 पर मौजूद है और मैक्सिमम इतना ही अप जाएगा अकॉर्डिंग टू माई प्रोडक्शन। अब 7 बजे न्यूज़ भी जो है ना वो गुजर चुकी है और सारा कुछ आ चुका है, मार्केट का बिहेवियर आपको पता चल चुका होगा कि मार्केट क्या करे, मेरी प्रोडक्शन के मुताबिक मार्केट रिकवरी करती नज़र आएगी, जितना डाउन आए रिटेस्ट करेगा BTC, उसके बाद हमें ऊपर जाता नज़र आएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि FTT वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है, AAV कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है, उसके बाद मैंने विफ कॉइन के बारे में भी आपको बताया था कि यार विफ कॉइन भी बेहतरीन कॉइन है, सारे कॉइन ऊपर आ रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स मैंने बताए थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर वो जाकर ये वीडियो पढ़ी हुई है, लेटेस्ट वीडियो में लाजमी जाया करें, 5 स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं आपको बताएं, आप लोग जाकर देखें, नोटिफिकेशन आपको मिला है नहीं मिला लेकिन चैनल पर ये चीज़ मौजूद है, आप लोग जाकर ये देख सकते हैं। तो बाकी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बिटकॉइन की प्राइस प्रोडक्शन दूंगा कि बिटकॉइन क्या करेगा मे अकॉर्डिंग टू माई प्रोडक्शन, या मैं आपको जो है ना वो टॉन कॉइन की प्राइस, टॉन कॉइन जैसा कोई कॉइन बताऊंगा कि वो क्विकली रिकवरी कर सकता है, उसमें अगर आप लोग एंट्री लें तो। बाकी आपके क्वेश्चंस जितने भी होंगे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो डॉग्स कॉइन बार बार सुन लें कि डॉग्स कॉइन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, मैक्सिमम यहाँ इस लेवल तक आने के बाद फर्दर ये फिर डाउन आएगा, ये मैं मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, ऐसे प्रॉफिट ले के बस बैठा नहीं रहना कि यार हमने बाद और जाएगा ऊपर तो बुक करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करते रहना साथ में, ठीक है।
तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस एजुकेशन वीडियो। मैं आपका प्रॉफिट और लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।